Bismillahirrahmanirrahim. Aziz talaba, assalamu alaikum. Here on the screen we see a row echelon form. So we will try to learn about the row echelon form. Then we will try to learn how to solve the system of linear equations by using the row echelon form. The row echelon form is a matrix which will be in this form. This is the upper triangular matrix. On the main diagonal we have one. तो रो इक्लन फॉर्म एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके मेन डायगनल पे हमेशा वन होंगे और वन के नीचे हमेशा ज़ीरो होंगे और रो बाय रो नंबर ऑफ ज़ीरोज इंक्रीज होंगे. हमारे पास हर एक रो में नीचे नंबर ऑफ ज़ीरोज इंक्रीज होगा और हर एक रो में नॉन ज़ीरो एलिमेंट हमेशा वन होगा. दी नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन एवरी रो मस्ट बी वन. तो हम इसी मैट्रिक्स को हम किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम रो ऑपरेशन की मदद से इस तरह बनाना है और ये हमारा गोल होता है. वी यूज़ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस टू मेक द मैट्रिक्स लुक लाइक द वन बिलो. दिस साइन जस्ट मीन देयर कैन बी एनी नंबर, वी डोंट केयर व्हाट. यहाँ पे वन लाने हैं, यहाँ पे ज़ीरो बनाने हैं और यहाँ पे नंबर छोड़ने हैं. कोई भी नंबर हम यहाँ पे कैलकुलेशन से हमें मिलेगा. आफ्टर वी गेट द मैट्रिक्स टू लुक लाइक आवर गोल वी पुट द वेरिएबल्स बैक एंड यूज बैक सब्स्टिट्यूशन टू गेट द सॉल्यूशन. जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है उसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम इसी फॉर्म में चेंज करते हैं जिसको हम रो इक्लान फॉर्म कहते हैं. फिर इसी मैट्रिक्स से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन वापस लिखते हैं और बैक सब्स्टिट्यूशन से हम दी सॉल्यूशन सेट हमें मिलता है. यहाँ पे हमें z की वैल्यू मिलती है, यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलती है और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलती है. तो वैल्यू ऑफ x, y, z विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट. अब हम देखते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यूज़ रो ऑपरेशंस टू ऑब्टेन एकलन फॉर्म. अब इसी वी हैव टू राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. This is the augmented matrix. Our deep, you know, these first three columns are the is the matrix obtained from the coefficient of the unknown x, y, z. यहाँ पे जो n unknown x, y, z है उनके coefficient को हमने यहाँ पे लिखे हैं और ये तीनों हमें coefficient matrix देता है. और ये जो column है the column of constant इसको हमने यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे एक line खींचा है. अब हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा टारगेट या हमारा गोल ये है कि हमने यहाँ पे वन लाने हैं और थ्री टू और सिक्स इनको हमने ज़ीरो करने हैं. तो इसके लिए हम एलिमेंट रो ऑपरेशन यूज़ करते हैं. गोल क्या है, इसी मैट्रिक्स को इस जैसा बनाना है. यहाँ पे वन लाने हैं, यहाँ पे ज़ीरो लाने हैं. तो सबसे पहले इसी कॉलम पे हम काम करेंगे. यहाँ पे वन होगा, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो होगा, इसी पे हम काम करेंगे. तो यहाँ पे वन और यहाँ पे ज़ीरो, ऑलरेडी यहाँ पे वन मौजूद है लिहाजा इसी थ्री को ज़ीरो बनाया जाएगा आर टू माइनस थ्री टाइम्स आर वन से. वी विल यूज़ दी रो ऑपरेशन आर टू माइनस थ्री टाइम आर वन मल्टीप्लाई एलिमेंट ऑफ दिस रो बाय माइनस थ्री एंड देन एड विद एलिमेंट ऑफ सेकंड रो. दैट्स वाई हेयर वी विल गेट ज़ीरो एंड हेयर वी विल गेट द न्यू वैल्यू फॉर दीज प्लेसेस. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस थ्री से हम मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं. तो देखते हैं कि इसको हम किस तरह ज़ीरो बनाते हैं. तो सबसे पहले हम इसी रो को माइनस थ्री से ज़रब देते हैं और इसी रो के साथ ऐड करते हैं. तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलता है यहाँ पे पुट होगा तो ये वाला नंबर ज़ीरो बनेगा. ये आ गया. अब नेक्स्ट टारगेट ये होगा कि ये टू ज़ीरो बने. How to make this to zero? This is the element lying in the third row. So to make it this to zero, R three minus two times R one. इसी line को हम minus two से ज़रब देंगे. यहाँ पे हम add करेंगे R three minus two times R one. तो इसको हम minus two से ज़रब देंगे और इसको हम नीचे लिखेंगे इस तरह addition करेंगे. तो यहाँ पे हमें zero मिलेगा. अब next काम क्या है, हमारा जो goal था इसको हासिल करना था, वन ज़ीरो ज़ीरो हासिल करना था. अब यहाँ पे हम काम करेंगे. नाउ नेक्स्ट वी विल वर्क अपॉन दिस कॉलम.
इसी कॉलम पे काम करना है और यहाँ पे प्लस वन लाना है और यहाँ पे ज़ीरो लाना होगा। इसी लाइन पे काम करना है, यहाँ इसी को प्लस वन बनाना है, इसी को ज़ीरो करना है। तो इसको हम किस तरह प्लस वन करेंगे, मल्टीप्लाइंग आर टू बाई नेगेटिव साइन माइनस टाइम आर टू विल मेक दिस माइनस वन प्लस वन, ये आ गया। नेक्स्ट काम क्या है, इसी टू को ज़ीरो करना है। सो आर थ्री, आर थ्री माइनस टू टाइम आर टू मल्टीप्लाइंग दिस लाइन बाई माइनस टू एंड देन एड विद द एलिमेंट ऑफ द थर्ड रो, आर थ्री माइनस टू टाइम आर टू। इसी लाइन को माइनस टू से ज़रब देना है और इसके साथ ऐड करना है, तो हमारे पास यहाँ पे ये टू ज़ीरो बनेगा। दिस टू विल बिकम ज़ीरो लाइक दिस ज़ीरो, ये टू बनेगा ज़ीरो। तो इसी लाइन को माइनस टू से ज़रब दे और इसी लाइन के साथ ऐड करे, तो यहाँ पे हमें ज़ीरो मिलेगा, ये आ गया। अब ये वाला जो मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज़ जस्ट लाइक दिस मैट्रिक्स। अब ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स एक जैसा हो गया है। यहाँ पे काम करना था हमारा, नेक्स्ट टारगेट क्या है, इस जैसा कॉलम बनाना है। तो अगर हम देख रहे हैं तो इस पर काम करना है और इस जैसा बनाना है, लेकिन ये ऑलरेडी उस जैसा है, देखते हैं। ये यहाँ जो कॉलम है, इसी कॉलम को इस जैसा बनाना था लेकिन ये ऑलरेडी उस जैसा है। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है, इट इज़ दी रो इकलान फॉर्म ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। द फर्स्ट वन, दिस इज़ दी कॉलम पार कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दिस इज़ दी कॉलम पार कोएफिशिएंट ऑफ वाई, दी कॉलम पार कोएफिशिएंट ऑफ जेड। अब इन यहाँ से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन वापस लिखते हैं, तो यहाँ से हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा। अब हम क्या करते हैं, इसी जेड को हमने यहाँ पे पुट करना है ताकि हमें वाई की वैल्यू मिले। तो देखते हैं यहाँ पे जेड की वैल्यू आ गई है, तो इस तरह हमें वाई की वैल्यू मिला। अब वाई और जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, तो जब यहाँ पे हमने पुट किए तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू ये वाला मिला, तो एक्स वाई जेड हमें मिले। तो क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स वाई, दिस इज़ दी सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये सोल्यूशन सेट है। दिस इज़ द ओनली एक्स वाई जेड दैट मेक्स ऑल द इक्वेशन ट्रू, ये अगर ये सोल्यूशन सेट ट्रू हो तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमें ट्रू इन्फॉर्मेशन देगा। देखते हैं इन तीनों वैल्यूज़ को जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, लिहाजा दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये क्या है, एवरी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट अ प्लेन इक्वेशन। प्लेन इक्वेशन, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होता है इन थ्री वेरिएबल एक्स वाई जेड। तो ये दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ प्लेन, दिस रिप्रेजेंट द सेकंड प्लेन, दिस रिप्रेजेंट द थर्ड प्लेन। इन तीनों प्लेन को अगर हम ड्रा करें, अगरचे इनको ड्रा करना मुश्किल है, लेकिन सपोज अगर इनको किसी तरीके से ड्रा किया जाए तो क्या हमें क्या मिलता है, हमें ये मिलता है, ये जो पॉइंट है दिस येलो पॉइंट मीन्स द पॉइंट माइनस टू टू माइनस वन। जब कभी हम प्लेन प्लाट करते हैं तो जिस नुक्ते पे ये प्लेन मिलते हैं तो उसी नुक्ते की जो वैल्यूज है वो हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट होता है। ज्योमेट्रिकली दिस मीन्स वी हैव थ्री प्लेन्स दैट इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट अ यूनिक सोल्यूशन। तो जिस पॉइंट पे ये प्लेन मिलते हैं उसी पॉइंट की वैल्यू हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होता है। थैंक यू।